बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ दिस इज़ अवर फोर्थ लेक्चर ऑन द टॉपिक ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर एंड वी वर कंटिन्यूइंग द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर एंड द लास्ट टॉपिक और द लास्ट ड्रग विच वी हैव लेफ्ट इन अवर प्रीवियस लेक्चर दैट वॉज सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट मे बी गिवन एज एन इमरजेंसी मेजर फॉर सीवियर हाइपर कैलीमिया और मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अगर हाइपर कैलीमिया बहुत सीवियर है और मेटाबॉलिक एसिडोसिस बहुत ज़्यादा है तो सोडियम बाइकार्बोनेट इमरजेंसी मेजर के तौर पर, इमरजेंसी मैनेजमेंट के तौर पर दी जाएगी, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ अल्कली, ताकि उसको आप न्यूट्रलाइज करें एसिडोसिस को और पीएच ऑफ ब्लड जो है वो वापस नॉर्मल पर लाने की कोशिश करें। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड थेरेप्यूटिक इफेक्ट क्या है इसका? आईवी सोडियम बाइकार्बोनेट रेस्टोर्स बाइकार्बोनेट दैट द रीनल ट्यूब्यूल कैन नॉट रीअब्सॉर्ब फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट एंड इंक्रीज आर्टेरियल पीएच। तो जो बाइकार्बोनेट का लॉस हो रहा था वो तो हो गया, लेकिन ये कि उसको यहाँ पर इस तरीके से आईवी सोडियम बाइकार्बोनेट के ज़रिए बाइकार्बोनेट देने की कोशिश की जाती है, ताकि उससे क्या हो कि जो बाइकार्बोनेट जो बॉडी में कम हो रहा है उसको कंपनसेट किया जाए और इसके अलावा आर्टेरियल पीएच यानी ब्लड पीएच को बढ़ाया जाए। दिस रिजल्ट इन शिफ्ट ऑफ पोटेशियम इन टू द सेल्स। और इसके नतीजे में जैसे जैसे पीएच बढ़ता जाएगा, पोटेशियम जो सेल से बाहर आ गया था, ब्लड में आ गया था, हाइपर कैनीमिया हो गया था, उस हाइपर कैनीमिया को भी आप रिवर्स कर सकेंगे एंड रिड्यूसेस द सीरम पोटेशियम कंसंट्रेशन। एंड ऑब्वियसली जब शिफ्ट होगा पोटेशियम इन टू द सेल और इन साइड द सेल्स, तो सीरम कंसंट्रेशन पोटेशियम की खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाएगी। ऑनसेट कितना है इसका सोडियम बाइकार्बोनेट का? 15 to 30 मिनट्स है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोजेज, सोडियम बाइकार्बोनेट इज एडमिनिस्टर्ड इंट्रावेनसली, आईवी इसको दिया जाएगा। द डोजेज इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज, कि कितना देना है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना है कि 50% ऑफ द बॉडी वेट इन केजी, यानी अगर किसी पेशेंट का वेट जो है वो 80 kg है तो उसका 50% कितना हो जाएगा? 40 kg, यहाँ पे 40 रखेंगे, मल्टीप्लाइड बाई डिजायर्ड आर्टीरियल बाइकार्बोनेट, यानी बाइकार्बोनेट लेवल आपका डिजायर कितना, वो जो नॉर्मल होगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे, माइनस एक्चुअल बाइकार्बोनेट, और वो आपने ब्लड लेवल से, ब्लड टेस्ट से मालूम किया हुआ होगा कि इस वक्त बाइकार्बोनेट का लेवल क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है वो डोज कैलकुलेट कर लेंगे। तो बॉडी वेट का 50% इंटू डिजायर आर्टीरियल बाइकार्बोनेट लेवल माइनस एक्चुअल बाइकार्बोनेट लेवल, इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो डोज कैलकुलेट हो जाएगी। 1 ampule मे बी गिवेन इंट्रावेनसली फॉर 5 मिनट्स। ठीक है, आमतौर पे 1 ampule दिया जाता है 5 मिनट के शॉर्ट आईवी इन्फ्यूजन के जरिए, जिसमें ऑलमोस्ट 50 mEq की क्वांटिटी मौजूद होती है सोडियम बाई कार्बोनेट की, और या पर्टिकुलरली बाई कार्बोनेट्स की। अच्छा, अब प्रीकॉशन एंड मॉनिटरिंग इफेक्ट्स, ये क्या है सोडियम बाई कार्बोनेट के, इसमें क्या है? टू अवॉइड सोडियम एंड फ्लूड ओवरलोड, इस चीज़ को देख लें कि कहीं ऐसा ना हो सोडियम और फ्लूड का ओवरलोड हो जाए, क्योंकि लाजिम बात है सोडियम बाइकार्बोनेट में सोडियम भी जा रहा है। सोडियम बाइकार्बोनेट मस्ट बी गिवन कॉशियसली, हाफ ऑफ द पेशेंट्स बाइकार्बोनेट डेफिसिट इज रिप्लेस्ड ओवर द फर्स्ट 12 to 12 hours ऑफ थेरेपी। तकरीबन जो है क्या होता है कि हाफ ऑफ द पेशेंट्स बाइकार्बोनेट डेफिसिट जो होता है वो रिप्लेस हो जाता है इन फर्स्ट 12 hours ऑफ थेरेपी, यानी फिर अगर आपने एक पर्टिकुलर डोज दे दी है तो कम से कम 12 घंटे तक वेट करें, देखें कि जो है वो कितना बाइकार्बोनेट कंपनसेट हुआ है। सोडियम बाइकार्बोनेट में प्रेसिपिटेट कैल्शियम सॉल्ट इन आई वी सोल्यूशन, तो इसलिए कभी भी इनको मिक्स ना करें एंड शुड नॉट बी मिक्सड इन द सेम इन्फ्यूजन फ्लूड। लिहाजा कैल्शियम सॉल्ट, क्योंकि हमने दबा बात की थी ना, कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम ग्लूकोनेट भी देंगे, तो अगर सोडियम बाइकार्बोनेट भी देना है और कैल्शियम सॉल्ट भी देना है तो कभी भी दोनों को साथ नहीं देना, क्योंकि ये प्रेसिपिटेट बना लेंगे और इसी वजह से सेम इन्फ्यूजन फ्लूड में कभी भी इनको मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनकी इनकॉम्पेटेबिलिटी रिपोर्टेड है। इसके अलावा आर्टेरियल ब्लड गैसेस, इनको भी मॉनिटर करें। आर्टेरियल ब्लड गैस वैल्यूज एंड सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स शुड बी मॉनिटर्ड क्लोजली ड्यूरिंग सोडियम बाइकार्बोनेट थेरेपी। ठीक है, इसकी वजह यह है कि सोडियम बाइकार्बोनेट की थेरेपी जब आप कर रहे हैं तो इससे पीएच बढ़ना शुरू हो जाएगा और सोडियम और फिर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के लेवल भी नॉर्मल होने ग्रेजुअली शुरू हो जाएंगे।
इसलिए जो है वो इलेक्ट्रोलाइट लेवल भी चेक करते रहें, क्योंकि जब आप पीएच को बढ़ाएंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि पोटेशियम जो होगा वो सेल के अंदर जाना शुरू हो जाएगा, जो हाइपरकैलेमिया हुआ था वो भी मैनेज हो जाएगा, और सोडियम जो सेल के अंदर चला गया था और हाइपोनेट्रीमिया हो गया था वो भी कंपनसेट होना शुरू हो जाएगा, यानी पीएच के नॉर्मलाइज होने की वजह से सोडियम सेल से बाहर आना शुरू कर देगा, तो इलेक्ट्रोलाइट का लेवल भी नॉर्मल या बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा रेगुलर इंसुलिन विद डेक्सट्रोज ये भी देंगे। क्यों देंगे? कि द इंसुलिन कॉजेज एन इंट्रासेलुलर शिफ्ट ऑफ पोटेशियम, कि इंसुलिन का भी ये काम है कि ये जो है वो क्या करेगा कि पोटेशियम को शिफ्ट करेगा सेल के अंदर। द कॉम्बिनेशन ऑफ इंसुलिन विद डेक्सट्रोज डिपॉजिट्स पोटेशियम विद ग्लाइकोजन इन द लिवर एंड रिड्यूसिंग द सीरम पोटेशियम। ठीक है, यानी मकसद क्या है डेक्सट्रोज के साथ देने का? एक तो ये है कि वही इंसुलिन से पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में ना जाए एकदम, और दूसरा मकसद ये है कि जो पोटेशियम जो होगा वो ग्लाइकोजन के साथ बाइंड होकर लेवर में स्टोर होना शुरू हो जाएगा, और इस तरीके से आप सीरम पोटेशियम लेवल कम कर रहे होंगे, तो इंसुलिन भी दिया जाएगा। इंसुलिन का ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या है? 15 to 30 मिनट्स। एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोजेज क्या है? रेगुलर इंसुलिन देंगे आप। ठीक है, रेगुलर इंसुलिन 10 यूनिट्स इन 500 ml ऑफ 10% डेक्सट्रोज, यानी आपने क्या करना है 10% डेक्सट्रोज लेना है 500 ml की क्वांटिटी में, और उसमें 10 यूनिट रेगुलर इंसुलिन जो है वो मेजर करके इंसुलिन यूनिट सिरिंज से डाल दें, तो उसको इंट्रावेन उसको आप दे दीजिए एंड इट विल इंट्रावेनसली एडमिनिस्टर्ड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 60 मिनट्स, यानी 60 मिनट्स में ये जो है वो इंट्रावेनसली एडमिनिस्टर हो जाएगा। यहाँ पर ये बात मैं ज़रूर बताना ज़रूरी समझूंगा, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट ओनली रेगुलर इंसुलिन अमंग इंसुलिन टाइप्स, ओनली रेगुलर इंसुलिन इज ए इंसुलिन विच कैन बी गिवन इंट्रावेनसली, बाकी कोई भी इंसुलिन जो है वो इंट्रावेनसली नहीं दी जाती और कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ठीक है, तो ये पॉइंट अपने जहन में रखिएगा कि द वन एंड ओनली इंसुलिन विच कैन बी गिवन बाय इंट्रावेनस रूट इज रेगुलर इंसुलिन, बाकी जो है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन हो गई या जो रैपिड एक्टिंग भी जिसको कहते हैं वो हो गई, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन हो गई या फिर लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन हो गई, उसमें से कोई भी इंट्रावेनसली नहीं दी जाती। अच्छा, इसके अलावा फिर जब आप इंसुलिन दे रहे हैं तो उस वक्त क्या प्रिकॉशन एंड मॉनिटरिंग इफेक्ट ज़रूरी हैं? द सीरम ग्लूकोज लेवल शुड बी मॉनिटर्ड। क्यों? ताकि कहीं पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में ना जाना शुरू कर दे। द पेशेंट शुड बी असेस फॉर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ फ्लूड ओवरलोड, इसको भी आप मुसलसल मॉनिटर करते रहें कि कहीं, क्योंकि ये 500 ml डेक्सट्रोज आप दे रहे हैं, कहीं फ्लूड ओवरलोड होना पेशेंट ना शुरू हो जाए, तो ये जो है रेगुलर इंसुलिन का प्रोटोकॉल होगा। इसके बाद आइए सोडियम पॉलीस्टाइरीन सल्फोनेट SPSS। ये क्या है? SPS और सोडियम पॉलीस्टाइरीन सल्फोनेट इज ए पोटेशियम रिमूविंग रेजिन दैट एक्सचेंज सोडियम आयन फॉर पोटेशियम आयन इन इंटेस्टाइन। ठीक है, ये क्या करेगा कि इंटेस्टाइन में ही एक्ट करेगा और सोडियम आयन को रिप्लेस करेगा पोटेशियम आयन से, यानी जो ब्लड से होगा वो पोटेशियम निकाल के इंटेस्टाइन में ले आएगा और इंटेस्टाइन से सोडियम जो होगा वो सेल के अंदर यानी ब्लड वेसल के अंदर ट्रांसफ़र कर देगा। इस तरीके से भी ये हाइपरकैलीमिया को मैनेज करेगा और हाइपोनेट्रीमिया को मैनेज करेगा। यूजली 1 ग्राम ऑफ सोडियम पॉलीस्टाइरीन सल्फोनेट एक्सचेंज 0.5 to 1 mEq पर लीटर ऑफ पोटेशियम। अच्छा, द SPS और सोडियम पॉलीस्टाइरीन सल्फोनेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द इंटेस्टाइन एंड एक्सक्रीटेड इन द फीसेस, यानी ये जो है वो डिस्ट्रीब्यूट जो होता है वो इंटेस्टाइन में ही रहता है, यानी लोकल इफेक्ट डालता है और ब्लड में नहीं जाएगा ये, और वहीं से जो है वो एक्सक्रीट हो जाएगा और वहीं पे इंटेस्टाइन में ही ये सोडियम को जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर ट्रांसफ़र कर देगा और पोटेशियम को वहाँ से एक्सचेंज में निकाल देगा, तो इस तरीके से हाइपरकैलीमिया और हाइपोनेट्रीमिया दोनों को मैनेज किया जाएगा। थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स की अगर हम बात करें, एडमिनिस्टर्ड एज एन एडजंक्टिव ट्रीटमेंट फॉर हाइपरकैलीमिया, यानी इसको अलोन इस मकसद के लिए हाइपरकैलीमिया के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा, एडजंक्टिव ट्रीटमेंट यानी बाकी ट्रीटमेंट जो इनका तस्करा हम अभी ऊपर कर चुके हैं रॉयल लेक्चर में, उनके साथ इसको ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाएगा।
एसपीएस रिड्यूस द पोटेंशियल पोटेशियम लेवल इन सीरम एंड अदर बॉडी फ्लूड्स। तो ना सिर्फ ये के सीरम में यानी ब्लड में ये पोटेशियम लेवल को कम करेगा, बल्कि जो अदर बॉडी फ्लूड्स हैं, जो दूसरे बॉडी फ्लूड्स हैं, उसमें भी पोटेशियम की क्वांटिटी को कम करना शुरू कर देगा। तो ये प्रोटोकॉल होगा, इस तरह से आपने देना होगा सोडियम पॉलीस्टाइरीन सल्फोनेट। ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या है इसका? ओरली एडमिनिस्टर सोडियम पॉलीस्टाइरीन सल्फोनेट एक्ट इन 2 आवर, यानी इसका ऑनसेट 2 आवर में शुरू होता है। इफेक्ट्स आर सीन इन 1 आवर, और इसका इफेक्ट्स जो है 1 आवर में सीन होना शुरू हो जाते हैं। व्हेन एसपीएस इज एडमिनिस्टर्ड एज ए रिटेंशन एनिमा, यानी एनिमा की फॉर्म में भी डायरेक्ट रेक्टम में ये इंट्रोड्यूस किया जा सकता है फॉर द सेम पर्पस, यानी हाइपरकैलेमिया की इंडिकेशन के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोजेज की अगर हम बात करें इसकी, सोडियम पॉलीस्टाइरीन सल्फोनेट की, तो एस पी एस इज यूजली एडमिनिस्टर्ड ओरली, यूजली तो इसको ओरली दिया जाता है। ऑल दो इट मे बी गिवेन थ्रू नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब, ठीक है, अगर ओरली पेशेंट खुद से नहीं ले सकता तो नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब में भी उन पेशेंट्स को दिया जा सकता है। एनजी ट्यूब भी कहलाती है जो नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब, उसके जरिए भी लिक्विड फॉर्म में दिया जा सकता है। द ओरल डोज इज 15 to 30 ग्राम इन सस्पेंशन ऑफ 70% सॉर्बिटॉल, ठीक है, ये डाइल्यूशन होगी इसकी 15 to 30 ग्राम इन सस्पेंशन ऑफ 70% सॉर्बिटॉल, यानी आपने 70% सॉर्बिटॉल लेना है, ठीक है, और उसको 15 to 30 ग्राम, यानी जो डोज हो उसमें जितने 5 ml हो तो उसमें 15 से 30 ग्राम, यानी अगर 15 ml है तो उसमें यानी उसमें अगर 1 चम्मच है तो उसमें 15 ग्राम, 2 चम्मच है तो सपोज दैट 13 ग्राम, यानी 5 ml होता है एक स्मॉल टी स्पून, तो 5 ml में 15 ग्राम, 10 ml में 30 ग्राम। एडमिनिस्टर एवरी 4 to 6 आवर्स अंटिल द डिजायर्ड थेरेप्यूटिक इफेक्ट इज डिजायर्ड, यानी वो डिजायर्ड थेरेप्यूटिक इफेक्ट का मतलब ये है कि यानी पोटेशियम के लेवल जो डिजायर लेवल पर आ जाएं, जब तक ये हर 4 से 6 घंटे के बाद आप इसको रिपीट कर सकते हैं, हर 4 to 6 आवर में इसको रिपीट किया जा सकता है। व्हेन ओरल और नेजोगैस्ट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू नोजिया वोमिटिंग और पैरालिटिक इलियस, ठीक है, यानी अगर इन रीजंस की वजह से ओरली नहीं दी जा सकती या नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से नहीं दी जा सकती, लाइक नोजिया हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, या पैरालिटिक इलियस है यानी इलियम की मूवमेंट पैरालाइज हुई हुई है, नहीं हो रही, देन इट कैन बी गिवन एज रिटेंशन एडिमा, ठीक है, तो रेक्टम में डायरेक्ट एज एनिमा जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे। द रेक्टल डोज इज 30 to 50 ग्राम इन 100 ml ऑफ सॉर्बिटॉल एज ए वार्म सोल्यूशन, जो रेक्टल डोज होगी वही 30 to 50 ग्राम इन 100 ml ऑफ सॉर्बिटॉल 70%, और इट शुड बी एज ए वार्म सोल्यूशन। एडमिनिस्टर डीप इन टू द सिग्मोइडल कॉलोन एवरी 6 आवर, ठीक है, हर 6 घंटे के बाद इसको रिपीट किया जा सकता है, और वो ये कि जब तक आपकी ये डिजायर्ड लेवल पोटेशियम के अचीव नहीं हो जाते। एडमिनिस्ट्रेशन में बी डन विद रबर ट्यूब दैट इज स्टेप इन प्लेस और वाया फोले कैथेटर विद ए बैल्यून इन्फ्लेटेड डिस्टिल टू द एनल स्फिंक्टर, ताकि जो एडमिनिस्टर किया गया है वो एनल स्फिंक्टर से बाहर ना आ जाए। तो फोले कैथेटर या टैप जो होगी, रबर ट्यूब दैट इज टैप्ड इन टैप्ड, जिसका जो है वो टैप होना चाहिए, उसको जो है प्लेस करके ये एडमिनिस्टर किया जा सकता है। अच्छा, अब इसके क्या प्रिकॉशन एंड मॉनिटरिंग इफेक्ट हैं? जैसे मैं हमेशा बताता रहा हूँ, एज ए फार्मासिस्ट यू मस्ट रिमेंबर द प्रिकॉशन एंड मॉनिटरिंग इफेक्ट, क्योंकि ये वो एरिया होगा जिसमें आप फिजिशियन को गाइड करेंगे, और अगर कोई इशू होगा तो आप फिजिशियन को उसका सोल्यूशन देंगे, इस वजह से यू मस्ट रिमेंबर। और ज़्यादातर जो इसके जो रीजंस बनते हैं कि ये क्या है, क्यों है, किस लिए किया जाता है, वो रीजंस यहीं से बनते हैं। द पेशेंट सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल शुड बी मॉनिटर्ड क्लोजली ड्यूरिंग एसपीएस थेरेपी, लाजिम बात है, क्योंकि जब आप सोडियम दे रहे हैं, पोटेशियम को निकाल रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि सोडियम बढ़ जाए, ज़्यादा हो जाए, हाइपोनेट्रीमिया से हाइपरनेट्रीमिया में चला जाए, और पोटेशियम लेवल हाइपरकैलीमिया से हाइपोकैलीमिया में जाने लगे, क्योंकि हमें वो भी नहीं चाहिए, वो भी इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस है। तो इस वजह से इसको मॉनिटर करना ज़रूरी है, और क्योंकि पीएच की भी चेंजेस आते हैं बॉडी में, इस वजह से सोडियम लेवल, क्लोराइड लेवल, बाइकार्बोनेट लेवल और पीएच शुड बी मॉनिटर्ड इन एडिशन टू द पोटेशियम, यानी ब्लड का पीएच भी जो है वो मुसलसल मॉनिटर करते रहना आपको पड़ेगा। एस पी एस थेरेपी यूजली कंटिन्यू अंटिल द सीरम पोटेशियम लेवल ड्रॉप्स टू बी इन बिटवीन 4 to 5 mEq पर लीटर, क्योंकि देखें जो मैंने पहले भी आपको ये बताया था कि जो इसकी नॉर्मल रेंज है वो है
बेसिकली 3.5 से लेके 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर तक। तो ये तो ये कह रहे हैं 4 से 5 के दरमियान आपको इसको लेकर आना है, ठीक है, यानी पोटेशियम लेवल को कम करते हुए इन बिटवीन 4 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर तक आपको लेकर आना है। तो इसलिए इसकी मॉनिटरिंग जो है वो आप जो है वो करते रहें, और जैसे ही जो है वो 5 से नीचे आने लगे उसके बाद आपने सोडियम पॉलीस्टाइरीन सल्फोनेट की थेरेपी को जो है वो कंटिन्यू नहीं करना, यानी डिसकंटिन्यू कर देना है। इसके अलावा द पेशेंट शुड बी असेस्ड रेगुलरली फॉर साइंस ऑफ डिप्लीशन ऑफ पोटेशियम, यानी इसको भी असेस करते रहें, कहीं ऐसा ना हो ड्यूरिंग थेरेपी कोई वक्त ऐसा आया कि पोटेशियम एकदम डिप्लीट हो गया, बहुत कम हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, इरिटेबिलिटी होगी, कन्फ्यूजन होगा, कार्डियक एरिथमियाज होने शुरू हो जाएंगे, ईसीजी में चेंजेस आना शुरू हो जाएगा एंड मसल वीकनेस होना शुरू हो जाएगी। इस वजह से आपने रेगुलर इन साइन एंड सिम्टम्स को भी मॉनिटर करते रहना है, ईसीजी मुसलसल लगे होना चाहिए, हार्ट रिदम जो है वो मुसलसल चेक करते रहें आप, और इस वजह से जो है वो, और यही वजह है कि मैंने ये आपको ये बताया कि इन पेशेंट्स को आमतौर पर आईसीयू में मैनेज किया जाता है। इसके अलावा सोडियम पॉलीस्टाइरीन सल्फेनेट एक्सचेंज द सोडियम फॉर पोटेशियम, ठीक है, ये हम आप ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसके मैकेनिज्म में। सो सोडियम ओवरलोड में अकर ऐसा हो सकता है, यानी वही जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि कहीं हाइपरनेट्रीमिया ना होने लगे तो सोडियम ओवरलोड में अकर ड्यूरिंग द थेरेपी। पेशेंट विथ हाइपरटेंशन ऑफ और सीएचएफ, यानी हाइपरटेंशन की जिनकी हिस्ट्री हो या सीएचएफ की कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की जिनकी हिस्ट्री हो, तो ऐसे पेशेंट्स में सोडियम लेवल या सोडियम ओवरलोड होना ठीक नहीं है, क्योंकि वरना इनका हाइपरटेंशन जो होगा वो वर्स हो जाएगा या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वर्स हो जाएगा, लिहाजा ऐसे पेशेंट्स की क्लोज मॉनिटरिंग इज असेंशियल। फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन SPS should be mixed only with water or sorbitol, ठीक है, अगर oral administration आप कर रहे हैं तो फिर इसको आप orally जब भी दे रहे हैं तो या तो पानी के साथ दें, water के साथ mix करके दें, या फिर sorbitol के साथ mix करें। अच्छा, इसके अलावा orange juice which has high potassium content should not be used because it decreases the effectiveness of sodium polystyrene sulfonate. लाजमी बात है, ऑरेंज जूस हो गया या दूसरे फ्रूट्स हो गए जिसमें पोटेशियम की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर आप उनके साथ मिक्स करके इसको ओरली देंगे तो डेफिनेटली फिर सोडियम पॉलीस्टाइरीन सल्फोनेट की जो एफिकेसी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, इसलिए आपने इनको इन जूसेस वगैरह के साथ नहीं देना है। फॉर रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन SPS शुड बी मिक्सड ओनली विद वाटर और सॉर्बिटॉल, नेवर विद मिनरल ऑयल, क्योंकि अगेन मिनरल ऑयल में डिफरेंट मिनरल्स होंगे जो सोडियम पॉलीस्टाइरीन सल्फोनेट की जो वो एक्सचेंज ऑफ विद पोटेशियम का जो मैकेनिज्म है उसको वो जो है वो इंटरप्ट करेंगे, इस वजह से कभी भी, और नेवर यूज विद मिनरल ऑयल एंड ऑलवेज यूज विद एनिमा इन वाटर और सॉर्बिटॉल। तो इस वजह से जो है यहाँ पर ये प्रिकॉशन एंड मॉनिटरिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं? एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ SPS इंक्लूड कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। फीकल इंपैक्शन, यानी फीकल इंपैक्शन का मतलब यह है कि वही हार्ड मास फीसिस का बन जाए, ठीक है, जिसकी वजह से वही कॉन्स्टिपेशन होना लगेगा। इसके अलावा रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से वही फीकल इंपैक्शन, इसके अलावा नॉजिया, वोमिटिंग एंड इन सम पेशेंट डायरिया में आकर, तो ये इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं। इसके अलावा SPS शुड नॉट बी यूज एज द सोल एजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर हाइपरकैलेमिया, इस पर हम बात पहले भी कर चुके हैं कि ये सोल एजेंट के तौर पर यूज़ नहीं होगा बल्कि एज ए एडजंक्टिव थेरेपी यूज़ होगा। जो आप बाकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस यूज़ कर रहे हैं, यानी जो pH मैनिपुलेशन के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट या जो आप इंसुलिन विद डेक्सट्रोज यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ आप एज ए एडजंक्टिव थेरेपी आप यूज़ कर सकते हैं, अलोन जो है वो SPS यूज़ नहीं होगा, यानी इसको जो है वो क्योंकि फिर उस सूरत में जो होगा ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा।
अदर एजेंट्स और थेरेपीज शुड बी यूज इन कंजंक्शन विद दिस एजेंट, जिसमें हम ऑलरेडी इनका तस्करा कर चुके हैं. और वो जो एजेंट्स हैं वो क्या हैं, वही रेगुलर इंसुलिन विद डेक्सट्रोज या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, या और जो आपने जो मेथडोलॉजीज डिस्कस की हैं सोडियम बाई हाइपरकैलीमिया को मैनेज करने के लिए. सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन इसके क्या हैं, अगर हम सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन की बात करें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अदर नॉन एब्जॉर्बेबल कैट आयन डोनेटिंग लैक्सेटिव्स, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया या दूसरे कैट आयन डोनेटिंग लैक्सेटिव्स हो जाएंगे या एंटासिड्स हो गए, दैट मे डिक्रीजेज द इफेक्टिवनेस ऑफ पोटेशियम एक्सचेंज बाई एस पी एस एंड मे कॉज सिस्टमिक एल्केलोसिस. यानी ऐसे जो एंटासिड्स हैं जब वो यूज़ किए जाएंगे तो लाजमी बात है फिर एंटासिड्स यानी जो अल्कलीस की क्वांटिटी बढ़ जाएगी. एक तो उसमें नुकसान ये है कि वो पोटेशियम के एक्सचेंज पर असर अंदाज होंगे, दूसरा ये कि वो खुद भी एब्जॉर्ब होंगे वहाँ से इंटेस्टाइन से और उसके नतीजे में सिस्टमिक अल्कलोसिस, यानी आपने एसिडोसिस को ठीक करके पीएच को नॉर्मल रेंज में लाना था लेकिन वो क्या हो गया कि वो उल्टा जो ये सिचुएशन ये हो गई कि अब पीएच बढ़ बढ़ के एल्केलोसिस में जाना शुरू हो गया, वो भी ठीक नहीं है, हमें वो भी नहीं चाहिए क्योंकि उससे भी फिर इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस दूसरी डायरेक्शन में शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा. तो फिर उसकी दूसरी कॉम्प्लिकेशन सिस्टमिक एल्केलोसिस की कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होना शुरू हो जाएंगी और हमें क्योंकि वो भी नहीं चाहिए इसलिए इस इंटरेक्शन को उस वक्त अंडर कंसिडरेशन रखना पड़ेगा. आप इस तरह के सॉल्ट्स एस पी एस के साथ ना दें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा. इसके बाद हम आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस. जो एसिडोसिस हो रहा है उसमें आपने क्या करना है, एक तो वो ये सोडियम बाइकार्बोनेट आप दे रहे हैं. सोडियम बाइकार्बोनेट भी मे बी गिवन इफ द आर्टेरियल पीएच इज बिलो 7.35. वैसे जो है जो नॉर्मल रेंज है पीएच की वो 7.2 से लेके 7.4 तक होती है. यानी पीएच जो होता है वो वेरी करता है ब्लड का, नॉर्मल उसकी जो रेंज है वो 7.2 से लेके 7.4 के दरमियान में रहना चाहिए. तो आपका टारगेट क्या है कि उसको लेकर आना है कहां तक, 7.35 तक. अच्छा, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरफॉस्फेटीमिया आप कैसे करेंगे. ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरफॉस्फेटीमिया की आप बात करें तो हाइपरफॉस्फेटीमिया के लिए आप करेंगे आईवी कैल्शियम इज द फर्स्ट लाइन थेरेपी फॉर सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग हाइपरफॉस्फेटीमिया. कैल्शियम रिड्यूसेस द सीरम फॉस्फोरस कंसंट्रेशन बाय चीलेशन. यानी कैल्शियम जो होगा वो सॉल्ट जो होंगे वो कैल्शियम क्लोराइड जो होगा वो चीलेट बना लेगा फॉस्फोरस के साथ कैल्शियम फॉस्फेट, और इस तरीके से जो होगा सीरम को कैल्शियम जो फॉस्फेट लेवल था उसको कम करना शुरू कर देगा. ओरल कैल्शियम सॉल्ट्स आप देंगे बाइंड डाइट्री फॉस्फोरस इन द जीआई ट्रैक्ट. इसके अलावा ओरली जो आप दे रहे होंगे आईवी के अलावा वो जीआई ट्रैक्ट में फॉस्फोरस को बाइंड करेगा ताकि वो एब्जॉर्ब ना हो. जब बाइंड होकर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो उससे भी फायदा ये होगा कि वो फॉस्फेट लेवल कम होना शुरू हो जाएगा. इसके अलावा एक और चीलेटिंग एजेंट है विच इज़ कॉल्ड सेवलेमर, ठीक है. सेवलेमर कैन बी यूज फॉर दिस पर्पस, इज ए नॉन आयोनिक पॉलीमर दैट बाइंड्स डाइट्री फॉस्फोरस इन द जीआई ट्रैक्ट. ये भी दिया जाता है, ये भी इस पर्पस के लिए यूज किया जाता है. डायलिसिस भी किया जा सकता है. डायलिसिस मे बी यूज टू ट्रीट एक्यूट लाइफ थ्रेटनिंग हाइपरफॉस्फेटीमिया. अगर लाइफ थ्रेटनिंग हाइपरफॉस्फेटीमिया हो रहा है, फॉस्फेट लेवल हाइपर हुआ हुआ है, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, तो उस सूरत में फिर आप डायलिसिस भी कर सकते हैं और एकम्पनीड बाय एक्यूट हाइपोकैल्सीमिया, और उसमें हाइपोकैल्सीमिया भी हो रहा होगा. इट इज़ ऑल्सो परफॉर्म व्हेन वॉल्यूम ओवरलोड इज प्रेजेंट, और जब वॉल्यूम ओवरलोड हो तो उसमें भी डायलिसिस जो है वो ज़्यादा बेहतर ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है. एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करें और एल्युमिनियम कंटेनिंग एंटासिड्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड थेरेप्यूटिक इफेक्ट क्या है. एल्युमिनियम बाइंड्स एक्सेसिव फॉस्फेट इन द इंटेस्टाइन देयर बाय रिड्यूसेस द रिड्यूसिंग द फॉस्फेट कंसंट्रेशन. तो एक तो ये कि वही जीआई ट्रैक से एब्जॉर्प्शन को इनिबिट कर देगा. दूसरा ऑनसेट इसका 6 to 12 आवर है. एडमिनिस्ट्रेशन का क्या है. एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इज एडमिनिस्टर्ड ओरली एज ए टैबलेट और सस्पेंशन. इसके जो सस्पेंशन या टैबलेट्स हैं वो अवेलेबल हैं मार्केट में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के, तो ये दिए जा सकते हैं. फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरफॉस्फेटीमिया 0.5 to 2 और 15 to 30 ml ऑफ सस्पेंशन इज एडमिनिस्टर्ड 3 or 4 टाइम्स डेली विद मील्स. मील्स के साथ जो है कंबाइन करके इनको दिया जाता है ताकि मील में जो भी फॉस्फोरस है वो एब्जॉर्ब ना हो. जैसे रोटी में होता है, गंदम में फॉस्फोरस होता है,
तो उस वजह से जो है वो इसको मील के साथ दिया जाता है ताकि मील में जो फास्फोरस है वो एब्जॉर्ब ना हो। इसके अलावा इसके प्रिकॉशन एंड मॉनिटरिंग इफेक्ट्स क्या हैं? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मे कॉज कॉन्स्टिपेशन एंड एनोरेक्सिया। ठीक है, तो ये देखते रहें कॉन्स्टिपेशन या एनोरेक्सिया तो नहीं हो रहा, यानी भूख ना लगना। इसके अलावा सीरम फॉस्फेट लेवल्स शुड बी मॉनिटर्ड बिकॉज एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कैन कॉज फॉस्फेट डिप्लीशन। बहुत तेज़ी से ये फॉस्फेट को कम करते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि पेशेंट जो पहले हाइपर फॉस्फेटीमिया में था अब हाइपोफॉस्फेटीमिया में जाना शुरू हो गया, तो इसलिए फॉस्फेट लेवल सीरम के चेक करते रहें। इसके अलावा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कैन कॉज कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन एंड बोन डीमिनरलाइजेशन, यानी बोन में कैल्शियम की कमी को कम करेगा, बोन रिजॉर्प्शन करेगा, यानी बोन में कैल्शियम की कमी होती शुरू हो जाएगी। इस वजह से बोन मिनरलाइजेशन यानी बोन में कैल्शियम की क्वांटिटी को भी चेक करते रहें। वो कैसे करेंगे? वो डेक्सा स्कैन के जरिए, यानी बोन मिनरल डेंसिटी के जरिए। अच्छा, इसके अलावा जो एक और जो इशू होता है दैट इज़ कॉल्ड हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया को आप कैसे ट्रीट करेंगे? इमीजिएट ट्रीटमेंट इज नेसेसरी इफ़ द पेशेंट इज़ पेशेंट हैज सीवियर हाइपोकैल्सीमिया एज एविडेंस बाय टेटिनाई, यानी बॉडी में टेटिनाई यानी कन्वल्शन हो रहे होंगे। तो उसमें क्या देंगे? उस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम ग्लूकोनेट पे। यहाँ पे कैल्शियम ग्लूकोनेट की बात हो रही है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड थेरेप्यूटिक इफेक्ट की अगर हम बात करें तो दिस ड्रग रिप्लेसेस एंड मेंटेन्स बॉडी कैल्शियम एंड रेजिंग द सीरम कैल्शियम लेवल इमीडिएट। एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोजेज इस कैल्शियम ग्लूकोनेट की कैसे होगी? व्हेन यूज टू रिवर्स द हाइपोकैल्सीमिया कैल्शियम ग्लूकोनेट इज एडमिनिस्टर इंट्रावेनसली। आईवी इसको दिया जाएगा इन ए डोजेज ऑफ 1 to 2 ग्राम पीरियड फॉर 10 मिनट्स फॉलोड बाय स्लो इन्फ्यूजन ओवर 6 to 8 आवर्स इन एडिशन टू 1 ग्राम, यानी एज एन एडिशन एडिशनल 1 ग्राम, यानी 1 ग्राम फर्दर दिया जाएगा 6 से 8 घंटे के स्लो इन्फ्यूजन के जरिए। ये शॉर्ट आई वी इन्फ्यूजन है 10 मिनट्स का, उसमें दिया जाएगा। उसके बाद फिर 6 से 8 घंटे के बाद एडिशनल 1 ग्राम भी दिया जा सकता है अगर कैल्शियम लेवल नॉर्मलाइज नहीं हो रहा तो। प्रिकॉशन मॉनिटरिंग इफेक्ट्स एंड सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन की अगर हम इसकी बात करें तो फ्रीक्वेंट डिटर्मिनेशन ऑफ सीरम, ठीक है, फ्रीक्वेंट डिटर्मिनेशन ऑफ सीरम और आयोनाइज्ड इन क्रिटिकली इल पेशेंट कैल्शियम कंसंट्रेशन शुड बी परफॉर्म, यानी जो फ्रीक्वेंट डिटर्मिनेशन ऑफ सीरम कैल्शियम लेवल चेक करें, आयोनाइज खासतौर से आयोनाइज फॉर्म यानी कैल्शियम एज ए आयन उसको चेक करें, यानी एज ए सॉल्ट नहीं एज ए फ्री फॉर्म कैल्शियम लेवल चेक करें, ठीक है, ताकि कैल्शियम लेवल ये ना हो कि हाइपरकैलीमिया में पेशेंट जाना शुरू हो जाए। सीरम कैल्शियम कंसंट्रेशन यूजली शुड नॉट बी अलाउड टू एक्सीड 12 mg/dL, यानी ये लेवल जो है वो फिर किसी भी सूरत में 12 से ऊपर 12 mg/dL से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो डेफिनेटली उसके इसी पेशेंट में आप मुसलसल डेली जो है वो कम से कम 2 दफ़ा सुबह शाम सीरम कैल्शियम लेवल करवा रहे होंगे। इसके अलावा अवॉइड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईवी कैल्शियम इन पेशेंट टेकिंग डिजॉक्सिन, इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि वरना क्या होगा कि कैल्शियम और डिजॉक्सिन जो होगा वो जब साथ दिए जाएंगे तो डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी होना शुरू हो जाएगी, यानी एज आयनोट्रॉपिक एंड टॉक्सिक इफेक्ट्स आर सिनर्जिस्टिक एंड एरिदमियाज कैन अकर, और उसके नतीजे में कार्डिक एरिदमिया वाकई होना शुरू हो जाएगा। तो इस वजह से कभी भी जो है वो दोनों को जब आप साथ दे रहे हो, अगर पेशेंट CHF का भी पेशेंट है और आप उसको कैल्शियम सॉल्ट दे रहे हैं तो उस सूरत में फिर आपने डिजॉक्सिन की डोज, यानी अगर कैल्शियम सॉल्ट देना ज़रूरी है तो फिर उस सूरत में आपने डिजॉक्सिन की डोज कम करनी होगी, वरना अदरवाइज दोनों का फिर सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आएगा और उस सिनर्जिस्टिक इफेक्ट की वजह से डिजिटलिस की टॉक्सिसिटी या डिजिटॉक्सिक इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा और उसके नतीजे में हार्ट फिर जो होगा वो कार्डिक एरिथमिया होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये तो हमने आईवी की बात कर ली। ओरल कैल्शियम सॉल्ट्स भी दिए जा सकते हैं। ओरल कैल्शियम सॉल्ट्स जो हैं वो आपके पास कौन कौन सी फॉर्म में अवेलेबल हैं? कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम ग्लूकोनेट है एंड कैल्शियम लैक्टेट है, ठीक है, ये 3-4 सॉल्ट्स हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ग्लूकोनेट एंड कैल्शियम लैक्टेट मे बी गिवन बाई माउथ व्हेन ओरल इनटेक इज परमिटेड।
यानी जब ओरल इनटेक पॉसिबल हो तो उस सूरत में जो है वो फिर आप जो है वो ये यूज़ कर सकते हैं, ओरल इनटेक इज़ परमिटेबल। और इफ़ द पेशेंट हैज़ ए रिलेटिवली माइल्ड हाइपोकैल्सीमिया, अगर पेशेंट को माइल्ड हाइपोकैल्सीमिया है तो उस कंडीशन में भी ज़्यादा बेहतर ये होगा कि अब आप आईवी ना दें बल्कि पेशेंट को ओरल सॉल्ट्स पर, ओरल कैल्शियम सॉल्ट्स पर रखें, बजाय ये कि आप उसको इंट्रावेनस दें, क्योंकि वैसे भी ये एक नेचुरल रूट है और बेहतर ये होता है कि नेचुरल रूट को ज़्यादा यूटिलाइज किया जाए। डोज कितनी होगी? द यूजुअल एडल्ट डोजेज इज 4 to 6 ग्राम पर डे। ठीक है, जिसकी डोज कैलकुलेट होगी वो होगी कितना सॉल्ट देना है कैल्शियम का, इस सॉल्ट का कैल्शियम कार्बोनेट, क्लोराइड, ग्लूकोनेट या लैक्टेट का, 4 से लेके 6 ग्राम पर डे गिवन इन 3 और 4 डिवाइडेड डोजेज। यानी ऐसा नहीं करना है कि ये 4 to 6 ग्राम एक साथ ही देना है, बल्कि आपने इसको डिवाइड करना है डिफरेंट डोजेज में, और यानी 3 to 4 डोज। जैसे अगर आप 6 ग्राम दे रहे हैं तो जैसे 2 ग्राम मॉर्निंग में दे दिया, 2 ग्राम यानी नाश्ते के साथ दे दिया, 2 ग्राम जो है लंच के साथ दे दिया, और 2 ग्राम जो है वो रात में डिनर के साथ दे दिया, या 4 डोजेज में भी डिवाइड किया जा सकता है। तो ये जो है मेथोडोलॉजी या प्रोटोकॉल होगा कैल्शियम की एडमिनिस्ट्रेशन का। इसके बाद हम आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोनेट्रेमिया, बट दिस वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।